हेलो दोस्तों, इस समय मैं मुरैना ज़िले के विश्व प्रसिद्ध शनिचरा मंदिर पर हूँ, शनिदेव महाराज के, और चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए शनिदेव मंदिर का मुख्य द्वार है। ये देखिए यहाँ इस कुंड में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद जो भी ये कपड़े पहने हुए हैं वो यहीं छोड़ के जाते हैं। ये देखिए जिन्होंने भी ये यहाँ स्नान किया है तो ये कपड़े अपने यहाँ पर छोड़ छोड़ करके जाना पड़ता है। ये देखिए जो आप सामने देख रहे हो ये गुप्त गंगा है। यहाँ की ये खासियत है कि इसका कोई समय नहीं पाया है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, और जबकि इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर ये मंदिर है,
और पानी आने के बाद ये कुंड में जाता है, और कुंड में जाने के बाद फिर पानी को ये नहीं कि कोई नदी में जा रहा हो या कहीं पहाड़ से नीचे जा रहा हो, पानी फिर यहीं की यहीं नीचे वापस समा जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ पर है, इसलिए इसको गुप्त गंगा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है और रात भर इन्होंने मेहनत की है, इसलिए थक गए हैं या आराम कर रहे हैं। और देखिए पूड़ियाँ बनी हुई हैं, सारा स्टॉक रखा हुआ है और लंगर बाहर चल ही रहा है। आपका शुभ नाम जी? मोनूगर। तो आपने ये लंगर दूसरी बार कराया है जी, तो आप मतलब किस उद्देश्य से? वैसे भगवान आपकी इच्छा थी, आपने हाँ। करा दिया और ये आगे भी कराओगे? भगवान देगा कराएंगे, भगवान देगा कराएंगे। तो कम से कम यहाँ कितने अभी किस भंडारा जो आप करा रहे हो, ये एक लिमिट है कि ये शाम तक? शाम तक चलेगा। चलो आपने ये बहुत अच्छा काम किया, यहाँ बड़ी दूर दूर से आए हैं, कम से कम यहाँ प्रसाद भोजन प्राप्त करके तो जाएंगे। देखिए इस समय हम शनिदेव मंदिर शनिचरा मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ के ये महंत हैं। महंत जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक त्रिपाठी है। आप मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए ये शनि मंदिर है और पृथ्वी लोक का पहला शनि मंदिर है, इससे पुराना कोई भी शनि मंदिर नहीं, क्योंकि ये त्रेता युगीन शनि मंदिर है। शनि देव जब प्रभु हनुमान जी सीता मैया की खोज में गए थे लंका, उस समय लंका में आग नहीं लगी, तो अपनी योग माया से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शनि देव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए। क्यों? क्योंकि रावण जो था इतना शक्तिशाली था कि नवोग्रहों को बंदी बनाया था, और जब इन्होंने पूछा कि भैया आग क्यों नहीं लगी, तब शनिदेव बोले कि मैं जब तक लंका में रहूँगी तो आग नहीं लगेगी और आप लंका से बाहर जाइए। ठीक है, तो शनिदेव इतने दुर्बल हो गए कि कोई चल फिर भी नहीं सकते थे, बोले कि आप तो बहुत शक्तिशाली, आप ही कुछ कर सकते हैं ताकि आप लंका दहन कर सकें। तो वहाँ से उठा के शनिदेव को फेंकते हैं तो एक उल्का पिंड के रूप में शनिदेव यहाँ के गिरे हैं। ये पहले ऊँचा पहाड़ था और उनके गिरने से खाई बन गया, तभी से शनिदेव यहाँ विराजमान है। और आपने लंका दहन किया, लंका दहन करने के बाद सीता मैया का संदेश राम जी को सुनाते हैं, राम जी को सुनाने के बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, संजीवनी वटी लेने जाते हैं। उसी समय शनिदेव का पुनः फोन जाता है कि आप तो हमको ऐसी जगह फेंक दें जहाँ ना तो पानी है ना कोई पिलाने वाला है, तो प्रभु आके विराजमान हो जाते हैं, गंगा मैया प्रकट कर देते हैं। ये जो गुप्त गंगा मैया है ये तभी से आपने ही प्रकट किया है, ये शनिदेव के अभिषेक के लिए जल इसका प्रयोग किया जाता है, तभी से शनिदेव हनुमान जी और गंगा मैया यहाँ विराजमान है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जब प्रभु पुनः अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, उस समय का दूसरा शनिधाम है आपके वृंदावन में कोशी कला कोखलावन में जी हाँ। इसके बाद तीसरा युग आता है कलयुग, कलयुग का सबसे पहला शनिधाम है शनि सिंगनापुर। इसके बाद फिर सभी यहाँ से ज्योति जाती हैं और सब में पूजा अर्चना करेंगे तो प्रभु उसमें विराजमान होते हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति जो है आप देख रहे हैं, ये विश्व की एकलौती प्रतिमा है, जबकि अपने भारतवर्ष में दो ही प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एक तो हनुमान जी की, दूसरी शिव की। तो शिव हनुमान जी की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये विश्व की एकलौती प्रतिमा है, जो कि ऐसी प्रतिमा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसकी विशेषताएँ क्या है, जब आप लंका गए तो माता जानकी जी उनको दो सिद्धियाँ दी थी, अष्ट सिद्ध नवनीत, कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता आशीर्वादीन जानकी माता, ये दोनों अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। आप दिखा सकते हैं ये जो दो यंत्र हैं, ये अष्ट सिद्ध नवनीत
ये दोनों आप अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। आप बाल्य रूप में यहाँ विराजमान है, कटारधारी हनुमान जी भी हैं। आप कटार भी पहने हुए, ये देखिए सिल्वर कलर की आप देख सकते हैं। इनके नाखून हमारे और आपके जैसे ही नाखून हैं, रक्तयुक्त हैं। जैसे हमारे आपके नाखून बढ़ते हैं, ऐसे प्रभु के नाखून बढ़ते हैं। अंतर इतना है कि हमारे आपके नाखून नेल कटर ब्लेड से काटे जाते हैं, आपके नाखून अपने आप कटते हैं। जैसे हमारे आपके नाखून चिकने और रक्तयुक्त हैं, ऐसे प्रभु के भी नाखून आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यहाँ कुंड में लोग आप नहाते हैं जी, नहाने के बाद कपड़े यहीं पर छोड़ जाते हैं। जी हाँ, ये शनि के नाम से छायादान होता है, वस्त्र त्याग होता है, बाल मुंडन होता है। इससे हमारे भक्तजनों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी पीड़ाएं भी कम होती हैं, ऐसा मानना है जी। तो महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी। हेलो दोस्तों, हमने शनिचरा में शनि देव के दर्शन कर लिए हैं और ये मैं अपना व्लॉग यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी और नए व्लॉग में। और आपको ये कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करना।